हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी और उसकी एक्सरसाइज 13.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर इवेंट्स। एक इवेंट ई दे रखा है जिसके अंडर में 1, 3, 5 सैंपल पॉइंट्स हैं। एफ में दे रखा है 2, 3 एलिमेंट और जी में 2, 3, 4, 5 दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रॉबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है व्हेन एफ इज गिवन एंड प्रॉबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करना है व्हेन ई इज गिवन। तो इसके लिए पहले तो आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्योंकि एक डाई को रोल किया हुआ। तो ऐसे केस में अगर ई भी दे रखा है और एफ भी दे रखा है तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? दोनों में जो कॉमन है, कॉमन अगर आप देखोगे तो वो 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जिसको आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ लिख सकते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ एफ में 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन ये हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज गिवन। इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। तो आप देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं। यहां पर देखें 1 है तो ये तो 1 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, ई में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है तो ये आ गया 1/3। तो 11 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब हमें सेकेंड पार्ट करना है तो आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे। सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन जी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई इज गिवन ये निकालना है। इससे पहले हम ई इंटरसेक्शन जी निकाल लेते हैं, मतलब ई और जी में जो भी कॉमन है। तो कॉमन कौन कौन से हैं? एक तो 3 है कॉमन और एक 5 है। 3 और 5 कॉमन है ई और जी में। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन जी इज गिवन, जिसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जिसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन जी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। अब ई इंटरसेक्शन जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी कितने हैं? यहां से पता लगेगा आपको कितने हैं, 4 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 1/2 आ जाए। अब इसमें हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई इज गिवन। इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इंटरसेक्शन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इंटरसेक्शन ई कितने हैं? जी और ई में अभी ऊपर बताया था आपको 2 है तो ये तो 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, ई में कितने हैं? यहां पर देखिए आप 3 है तो ये 3 आ जाए। तो इस तरीके से हमें 11th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने यहां पर सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं अब थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं तो थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ व्हेन जी इज गिवन। तो अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं कि पहले तो हम ई यूनियन एफ निकाल लेते हैं। अब ई यूनियन एफ निकालेंगे तो इसका मतलब और ई और एफ में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इस ब्रैकेट में रखना है हमने, वो हो गया आपके पास 1, 3, 2, 5। तो ई और एफ का अगर यूनियन करोगे तो ये आएगा आपके पास।
और इसको कुछ नाम दे देते हैं, हमने एच नाम दे देते हैं इसको, ठीक हो गया। अब यहां पर देखें आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है, आपको फाइंड करने के लिए कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ व्हेन जी इज गिवन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच व्हेन जी इज गिवन, ठीक हो गया। अब इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन जी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन जी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। तो एच आपको पता चल गया है कि एच में कौन कौन आ रहा है, 1 3 2 5 आ रहा है, और जी में क्या आ रहा है, 2 3 4 5। तो अगर मैं एच इंटरसेक्शन जी निकालूं और देखूं दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है, तो एक तो दोनों में 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, आप भी अपने हिसाब से देख लेंगे। तो ये 3 कॉमन है, तो हमारे पास यहां पर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन जी, तो एच इंटरसेक्शन जी में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो गया ऊपर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी की जगह आ जाएगा आपके पास 4। तो ये हमने यहां पर सॉल्व कर लिया है। अब इसी में देखें थर्ड पार्ट में जो ये सेकेंड है हमारे पास, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ व्हेन जी इज गिवन। अब इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्टिंग में ही यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप निकालें कि ई इंटरसेक्शन एफ होता कितना है, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। कॉमन देखोगे तो सिर्फ 3 कॉमन है दोनों में, तो ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास कितना आ गया, 3। अब इसको हम कोई सेट नाम दे देते हैं, जे नाम दे दिया इसको, ई इंटरसेक्शन एफ को क्या नाम दे दिया, जे। तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जे व्हेन जी इज गिवन, जिसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन जी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जे इंटरसेक्शन जी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। चलिए देखिए, तो पहले तो जे इंटरसेक्शन जी निकालना है आपने, जे में कितने हैं, 3 हैं, तो जे इंटरसेक्शन जी का मतलब है जो दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन सिर्फ 3 ही आएगा, मतलब कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं जे इंटरसेक्शन जी में, एक ही आ रहा है, तो यहां पर इसकी जगह तो 1 आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये जो 11th क्वेश्चन था एक्सरसाइज 13.1 का, उसको हमने इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।